नमस्कार, मैं हूँ एलिस और आप देख रहे हैं शुलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने कुछ एक बेहतरीन कामयाबी हासिल। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन हासिल किया। क्रिएटिव स्टूडियो ने अपने नए प्रोडक्शन गगन दमामा बाजियो के साथ शिमला के गेटी थिएटर में प्रदर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन ने डिजिटल मीडिया पर एक खास वर्कशॉप का आयोजन किया। शुलिनी यूनिवर्सिटी एक खास सेमिनार की मेजबानी करने के लिए तैयारी कर रही है। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने कुल 501 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हासिल करके एक बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधा लिए चलते हैं अपने संवाददाता वंशिका के पास। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने एक बेहतरीन कामयाबी हासिल करते हुए कुल 501 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हासिल की, जो महज 14 साल से युवा के संस्थाओं के लिए बड़ी बात है। हर पेटेंट, प्रीफेस और रिसर्च की कहानी है, जो इनोवेशन के लिए यूनिवर्सिटी की कमिटमेंट को उजागर करती है। शुलिनी यूनिवर्सिटी अलग अलग सब्जेक्ट्स में रिसर्च पर जोर देने के लिए जानी जाती है। शुलिनी को टाइम्स हायर एजुकेशन के साथ साथ QS की तरफ से भी देश के नंबर वन यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। यह मील का पत्थर शुलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाए गए सपोर्टिव एनवायरनमेंट का संकेत है, जहां विचारों का पोषण किया जाता है और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ वंशिका, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने लगातार तीसरे साल प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन हासिल किया। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी को प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क संगठन की तरफ से ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में सर्टिफाइड किया गया है। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने लगातार तीसरी बार यह कामयाबी हासिल की है। ग्रेट प्लेस टू वर्क संगठन के स्टाफ मेंबर्स ने इंडिपेंडेंट और हाईली कॉन्फिडेंशियल सर्वे के बाद शुलिनी को सर्टिफिकेट दिया है। इस सर्वे में शुलिनी के टीचर्स और वर्कर्स ने भी भाग लिया। सर्वे में संगठन की तरफ से अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने के तरीके, प्रोफेशनल ग्रोथ के मौके, एनकरेजमेंट एंड अच्छे काम के लिए कंपनसेशन, क्रेडिबिलिटी, HR पॉलिसीज और मॉनेटरी कंपनसेशन के संबंधित सवाल शामिल थे। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ RN शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी क्रिएटिव स्टूडियो ने अपने नए प्रोडक्शन गगन दमामा बाजियो के साथ शिमला के गेटी थिएटर में प्रदर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शुलिनी यूनिवर्सिटी के ड्रामा क्लब शुलिनी क्रिएटिव स्टूडियो ने अपने नए शो गगन दामामा बाजियो के साथ शिमला के गेटी थिएटर में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जो शहीद आजम भगत सिंह के जीवन की एक शक्तिशाली संगीतमय प्रस्तुति है। वो शो का निर्देशक शुलिनी में परफॉर्मिंग आर्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर अंकुश बशर की तरफ से किया गया था और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इस नाटक ने अपनी शक्तिशाली कहानी और भावपूर्ण प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रसिद्ध कलाकार पीयूष मिश्रा की तरफ से लिखा गया गाना गगन दमामा बाजयो ने भगत सिंह की महत्वपूर्ण यात्रा को जीवंत कर दिया, जिसमें उनके अटूट साहस और अपने देश के प्रति गहरा प्रेम दिखाया गया। कैमरा पर्सन महेश के साथ अंतरिक्षा, शुलिनी संवाद, सोलन। बढ़ते हैं आगे। स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस ने डिजिटल मीडिया पर एक खास वर्कशॉप का आयोजन किया। क्या कुछ खास रहा इस वर्कशॉप में, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन की तरफ से डिजिटल मीडिया पर एक खास सेशन का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में मीडिया जगत के जाने माने चेहरे और डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट वरुण भंसाली मीडिया स्टूडेंट से रूबरू हुए। वर्कशॉप के दौरान वरुण भंसाली ने अपनी एक्सपर्टीज स्टूडेंट्स के साथ साझा की और उन्हें मीडिया में आ रहे नए मौकों के बारे में जानकारी दी। वरुण भंसाली ने तेजी से बदलती मीडिया इंडस्ट्री और न्यू मीडिया में पैदा हो रहे नई नौकरियों पर भी अपनी बात रखी। स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर पार्थ शर्मा वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर रहे और उन्होंने मीडिया स्टूडेंट्स को भंसाली के अनुभवों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मुहैया कराया। कैमरा पर्सन निशा के साथ अलोपा, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी एक खास सेमिनार की मेजबानी करने के लिए तैयारी कर रही है, जिसका टॉपिक है एक्सप्लोरिंग द हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन द हिमालयाज। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधा लिए चलते हैं अपने संवाददाता के पास।
शूलिनी यूनिवर्सिटी एक्सप्लोरिंग द हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन द हिमालयस विषय पर दो दिवसीय सेमिनार की मेजबानी करने के लिए तैयार हो रही है। यह कार्यक्रम चित्रकूट स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स और स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से आयोजित किया जाएगा और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की तरफ से स्पॉन्सर्ड होगा। सेमिनार में चार थीम्स पर चर्चा होगी, जैसे कि विजडम ऑफ द माउंटेन्स दैट अनकवर्स एंशियंट नॉलेज, फ्रॉम ट्रेडिशन टू लेबोरेटरी एग्जामिनिंग मॉडर्नाइजेशन, एंशियंट रेमेडीज मॉडर्न इंसाइट्स, ब्राइडिंग ट्रेडिशनल विजडम विद कंटेम्प्रेरी रिसर्च और अनलॉकिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोरिंग इकोनॉमिक पोटेंशियल। यह सेमिनार ट्रेडिशन और इनोवेशन को जोड़ने पर केंद्रित होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इनटू कंटेम्प्रेरी सॉल्यूशंस पर प्रकाश डालेगा। कैमरा पर्सन महेश शर्मा के साथ अर्शी, शूलिनी संवाद, सोलन। धन्यवाद अर्शी। अब आपको शूलिनी यूनिवर्सिटी के खूबसूरत कैंपस का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसे टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत परिसरों में जगह दी गई है। आपको सीधा लिए चलते हैं आरजे सुहानी के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है सुहानी और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। गुफ्तगू बाय आरजे सिद्धार्थ, बधाई हो वायरल हुआ है बाय आरजे वाणी, चर्चा है पकवान बाय आरजे साक्षी, फेंक मत यार बाय आरजे राहुल। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे, रेडियो शूलिनी आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना है, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।